हेलो बेयर्स, नमस्कार। और आप सब लोग कैसे हैं? और आशा है कि आप सब लोग अपने फैमिली के साथ अच्छे होंगे। एंड ऑल ऑफ यू वेलकम अगेन विद न्यू वीडियो टू प्रॉपर्टी रिलेटेड इन माय चैनल। ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो ये जो बायर्स या व्यूअर्स को हेल्प करेगा रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ये मेकिंग डिसीजन बाइंग के समय। यदि आप ये वीडियो एंड टू एंड देखें तो आपको जरूर ये बहुत ही फायदेमंद और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एज ए ह्यूज पॉपुलेशन 150 करोड़, आप नियरिंग रीचिंग टू 145 करोड़, 150 करोड़। तो हर दिन यहाँ पर हजारों बिल्डर्स जो है डेवलपर है अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। और जो एक बायर्स जो होता है जब न्यू सिटी या मेट्रो में मूव करता है तो सभी का सपना होता है, जो रेंटल पे है तो सोचते हैं हम अपना घर कर लें, तो उनकी भी कोशिश ये रहती है कि हम अपना घर कर लें। तो यहाँ पर तो हजारों प्रोजेक्ट जो है सैकड़ों हर दिन लॉन्च होते हैं और बहुत से डेवलपर होते हैं और तो और उनके मार्केटिंग चैनल होते हैं, मीडिया मीडिया में जो है मार्केटिंग होती है। तो यहाँ पर बायर कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज रहता है कि किधर जाएं किधर ना जाएं और क्या होता है वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, वो उसको इस इनिशियल स्टेज पे कुछ पता नहीं रहता है। तो ये जो मैंने वीडियो लेके आया हूँ ये आपके सारे क्वेश्चंस का मैंने ट्राई किया है, उन सबका जवाब आपको इस वीडियो के तहत मिल पाए, सो दैट अल्टीमेटली यू कैन टेक ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो टू सो दैट इट विल हेल्प आउट द बायर्स टू टेक द डिसीजन फॉर द प्रॉपर्टी बाइंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दिस जस्ट आई हैव जस्ट इनिशियली आई जस्ट जस्ट एक्सप्लेन कि हाउ द फियर फैक्टर जो बायर्स के अंदर रहता है और हरेक को अपना घर चाहिए, तो जब चेक देने की बारी आती है उसको सब कुछ ठीक लग रहा है बायर्स को और वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो ये जो फियर फैक्टर उसके अंदर जब लास्ट बारी आती कि चेक देने की बारी, तो उसको फियर फैक्टर क्यों जनरेट होता है, क्यों उसकी उसको लगता है कि मेरा हार्ड एंड मनी जो हम दे रहे हैं वो सही जगह दे रहे हैं या नहीं जा दे रहे हैं। तो इन सब के लिए ये जो प्रोजेक्ट के बारे में जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है यदि वो जान लेता है तो और अच्छे से जान लेता है तो आई थिंक ये सब चीजें उसको सेटिस्फाई कर पाएगी एंड ही कैन टेक ए बेटर डिसीजन टू बाई एनी ऑफ द प्रॉपर्टी। एज यू नो प्रोजेक्ट जो डेवलपर डेवलप करता है इन्हीं जो जो बताया फियर फैक्टर और जो जो बायर होता है उसका ये सोचना होता है कि अगर हमने अब नहीं कर लिया इस मौके पे तो शायद हम लेफ्ट आउट हो जाए या मिस आउट हो जाए। तो ये सारी चीजें फियर फैक्टर और मिसिंग आउट फैक्टर ये डेवलपर और बिल्डर को और मार्केटिंग चैनल को पता रहता है, तो वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसी हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि जस्ट मैं बताऊंगा आपको, जो डेवलपर है वो अपने प्रोजेक्ट को 4 भागों में डिवाइड करता है मेनली। नाउ आपने कई बार सुना होगा प्री लॉन्च क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, देन लॉन्चिंग एन अदर है, सेकेंड फेज जो बोलते हैं लॉन्चिंग है, एंड थर्ड फेज जो होता है अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, एंड फोर्थ फेज जो होता है उसको बोलते हैं पजेशन। तो ये चारों में आपस में क्या अंतर है और इस सबको जो मैंने शुरू में बताया डेवलपर बिल्डर मार्केटिंग चैनल ये कैसे जो बायर्स का जो है अट्रैक्ट करते हैं, क्या इसमें प्रोस एंड कॉन्स होते हैं और किस तरीके से वो जो अर्जेंसी को वो अपने मार्केटिंग टूल में लेकर आते हैं, तो उसके बारे में बताऊं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले प्री लॉन्च होता है। कोई भी प्रोजेक्ट जब डेवलपर देखता है उसके पास रॉ डाटा होता है, बेसिक डाटा होता है उसके पास कुछ भी ना, तो उसके पास मैक्सिमम फंड होता है उसको जनरेट करने के लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, ना ही उस समय उसकी जो प्रॉपर्टी है रेरा अप्रूव्ड होती है। वो जैसे कि बताता है कि 20 उसके पास मिनिमम इन्फॉर्मेशन होती है। तो क्या होती है मिनिमम इन्फॉर्मेशन कि मेरे पास 20 एकर्स फॉर एग्जांपल लैंड है, पार्सल ऑफ लैंड है और मैं ये जो है हाई राइज इतना बनाना चाह रहा हूँ, इतनी टॉवर इसमें निकालेंगे, ये एमिनिटीज निकालेंगे, बट ये केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो डेवलपर और मार्केटिंग चैनल मिलके क्या करते हैं, जो उनके कॉन्टेक्ट होते हैं
जैसे कि मैंने बताया जो इसमें हेल्प होता है उन रेप्यूटेड बिल्डर्स की ज्यादा तो हो जाती है कि जो ऑलरेडी जिनका वर्क सिटी में है और वो बना चुके हैं, तो वो अपने प्रीवियस कॉन्टेक्ट को जिन्होंने पहले उनसे फ्लैट लिए हैं या जो है उनको वो मैसेज सर्कुलेट करते हैं। तो प्री लॉन्चिंग ऑलवेज, मैं फिर यहाँ पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, प्री लॉन्चिंग हमेशा अच्छी होती है। अगर वो जैसे कि प्री लॉन्चिंग अगर आप रेप्यूटेड में करें तो प्री लॉन्चिंग में हमेशा प्राइस जो है लोअर प्राइस पे मिलता है, आपको अपने हिसाब की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन रिस्क भी रहता है। रिस्क क्या रहता है कि अगर कोई बिल्डर आपका रिनोन्ड नहीं है, जिनको आप नहीं जानते, तो यू डू नॉट नो कि वो जो प्रॉमिस कर रहा है वो मुझे आगे चल के मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या जो 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 लीगलिटी है वो अभी तो रेरा भी अप्रूव नहीं है। तो रिस्क योर मनी ऑलवेज व्हेन यू आर गिविंग फॉर प्री लॉन्चिंग, दैट मनी यू हैव टू थिंक ऑफ जस्ट कि ये 5-6 महीने का, और प्री लॉन्चिंग डिले भी हो सकती है क्योंकि जब तक रेरा नहीं मिलता है तो एज पर मार्केटिंग रूल यू कैनॉट मार्केट इट, यू कैनॉट, सो वो केवल प्री लॉन्चिंग में UI कलेक्ट करते। तो जैसे मैंने बताया प्री लॉन्चिंग में प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, आपको अच्छी प्राइस पे मीन्स कम प्राइस पे उस प्रॉपर्टी को आप खरीद सकते हैं। आप एक मेमो अंडरस्टैंडिंग साइन होता है जिसको हम UI बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। वो UI इस समय जो बिल्डर होता है विद बेसिक मिनिमम बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ वो जनरेट करता है, क्योंकि उसको फंड लेना मीन्स फंड जनरेट करना है उस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि अभी केवल उसने केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है। और इसी प्री लॉन्चिंग वो मैक्सिमम जो है मिनिमम यूनिट्स में मैक्सिमम जो है वो अट्रैक्टिव प्राइस या लोअर प्राइस पर, तो जो इस स्टेज में जो पहले एंटर करने वाला होता है वो एंड यूजर नहीं होता है, वो इन्वेस्टर यूज उसमें जाता है जो कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी वगैरह ले चुका है, तो वो जानता है कि इस स्टेज में हम प्रॉपर्टी ले लें। तो इसमें जो 90% जो एंटर करते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं, वो जानते हैं कि इस प्री लॉन्च में हम कम वैल्यू में ये ले ले, सो दैट कि आगे चल के मैं सेल आउट या जो भी कर दे तो वो मेरे फायदे में आएगा। तो ये होती है प्री लॉन्चिंग स्टेज। प्री लॉन्चिंग स्टेज में जैसे मैंने प्रॉस एंड कॉन्स बोला, प्रॉस ये है कि आपको अच्छी वैल्यू पे, सस्ती वैल्यू पे, आपको अपने मन पसंद, आप अपना कम वैल्यू पे आप उस यूनिट को आप लॉक कर सकते हैं UI के जरिए। और इसमें विन विन सिचुएशन दोनों तरफ होती है। UI क्या है कि यदि मान लो कल को इनका कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है जो कि बिल्डर डिसाइड करता है कि 2-3 महीने, तो मिनिमम अमाउंट के साथ वो UI अमाउंट आप देते हैं, और उसमें ये होता है कि अगर आगे चल के 2-3 महीने के बाद मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं पसंद आया तो आप निकल सकते हैं, आपका पैसा जो है विदिन रेगुलेटेड टाइम वापस बिल्डर कर देता है। तो दिस इज रिटेल दस्तावेज। और इसमें बिल्डर के लिए भी फायदा ये होता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल उसने तो केवल प्रोजेक्ट लिया है 900 यूनिट बनाने का और उसने UI ले ली 3-4 हजार लोगों से, तो उसने फंड जनरेट कर लिया, तो बाद बाकी जिसको वापस जाना है वो उनको फंड वापस कर, तो UI के। बट इसमें जैसा कि मैंने शुरू में बोला जो प्रोजेक्ट जो अनऑथराइज होते हैं तो इसमें मैक्सिमम चीटिंग भी होती है, रिस्क भी होती है। यू डू नॉट नो आगे चल के ये जो प्रॉमिस कर रहा है वो देगा भी कि नहीं देगा, वो तो जब ही दे पाएगा क्योंकि इस स्टेज में रह रहा तो अप्रूव है नहीं कि जो आपका फ्लोर प्लान और सब कुछ आप डिसाइड कर पाए, इस स्टेज में नहीं होता है। सो दिस इज प्री लॉन्च स्टेज। अब एनदर इसके बाद जो स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं लॉन्च। अब जब डेवलपर उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देता है, लॉन्च कर देने का मतलब है कि वो अपना जो भी सारी इंफॉर्मेशन मीन्स यहां पर रेरा अप्रूव हो चुका है। जब रेरा अप्रूव हो चुका है तो इसमें जो फाइनेंस करने वाली बैंक जो नेशनलाइज बैंक है वो भी इसमें आ जाती है, वो अप्रूवल दे देती हैं, देन BBMP और खाता जो बेंगलोर और वाट एवर दैट ये चीजें इसमें आ जाती हैं, तो उन डॉक्यूमेंट जो है अब एक नजर में ये कि इसके बगैर में बायर्स को दिखता है कि क्लियरली विजिबल हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन लीगल है, इसका बैंक लोन अप्रूव्ड है, ये खाता अप्रूव्ड है, और इसकी कनेक्टिविटी क्या है, ये क्या फ्लोर प्लान लेके आ रहा है, क्या मास्टर प्लान लेके आ रहा है, सो दैट कि इसका जो प्राइस ऑफ बिल्डर जो क्या करता है इस प्री लॉन्चिंग प्राइस से अब लॉन्च प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा क्यों, बिकॉज थिंग्स अब उसने, लेकिन इसमें भी काफी अट्रैक्टिव वो ऑफर देता है सो दैट कि वो मार्केट में अपना फंड जनरेट कर पाए। बट प्री लॉन्चिंग से इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा।
तो अब इसमें और इसमें मैक्सिमम जो यूआई उसने ले रखी है, यहां तक यूआई का भी डिसीजन हो चुका होगा क्योंकि ऑलरेडी रेरा अप्रूव्ड है, सब कुछ है, तो जिनको यूआई का फंड वापस देना है वो, सो इस स्टेज पे बिल्डर के पास भी नियर अबाउट 40% यूनिट वो दे चुका होता है और उसके पास फंड काफी कुछ हो जाता है। नाउ जो थर्ड स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। तो नेचुरली है कि नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन में जब प्रोजेक्ट आ जाता है तो नेचुरली उसकी कीमत हाई होगी, ज्यादा होगी, प्री लॉन्च और लॉन्चिंग से ज्यादा होगी। तो अब ये तीसरी स्टेज है, इसमें भी बिल्डर बहुत ऑफर देता है। क्या ऑफर देता है कि इन्वेंटरी को अपना कंप्लीट करने के लिए, तो जैसे कभी ऑस्ट्रेलिया टूर, कभी गोल्ड क्वाइन, कभी ये, तो ये ऑफर देता है क्यों मैक्सिमम पब्लिक को, लेकिन उसके पास ये रहता है कि अब वो इस प्राइस को जो जो प्री लॉन्चिंग लॉन्चिंग के प्राइस से ज्यादा प्राइस में वो यूनिट को सेल आउट करता है अपनी जो लेफ्ट ओवर इन्वेंटरी है, क्योंकि नेचुरली अगर कोई और, क्योंकि इस अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में उसकी प्राइसिंग दोनों स्टेज से जो प्री लॉन्चिंग लॉन्चिंग से ज्यादा होगी। ओनली द कंडीशन की कहीं कोई इकोनॉमिक कंडीशन ना आ जाए या बैंक का कोई लोन वगैरह या समथिंग अनटुवर्ड्स ना हो तो वो कीमत वहीं स्टेग्नेंट रहती है, अदरवाइज अंडर कंस्ट्रक्शन की कीमत तो बढ़ेगी क्योंकि सब कुछ ग्राउंड पे आ चुका होता है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो बायर्स जाते हैं प्रोजेक्ट लेने के लिए तो वो देखते भी हैं कि एरिया कैसा है, वेदर इट इज नियर टू माई वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग मतलब हमारे जो ऑफिसेज है वो नियर बाई है स्कूल कॉलेजेस, और वो नियर बाई है या नहीं, या कम्यूटिंग लाइक मेट्रो और बीएमटीसी और कम्यूटेशन ये कैसे है क्या है, एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल्स एंड अदर थिंग्स वो इसके नियर बाई प्रोजेक्ट है, देन ही द बायर टेक डिसीजन एट दिस स्टेज। तो वो तो टोटली एंड यूजर होता है कि, और वो भी तो उसको थोड़ी हाई राइस मिलती है। नाउ लास्ट जो पॉइंट है वो है ड्यूरिंग पजेशन। तो नेचुरली है इन तीनों स्टेज से प्री लॉन्च, लॉन्च और अंडर कंस्ट्रक्शन से ज्यादा की कीमत और पजेशन का जो समय आएगा, क्योंकि अब प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है और होता भी है जनरली गुड ब्रांड के साथ में हार्डली कोई यूनिट ड्यूरिंग पजेशन छूटती है, दैट अंडर कंस्ट्रक्शन तक आते आते 95% यूनिट सोल्ड आउट। तो वो भी जो बची हुई 5% यूनिट है उसका तो फिर वो प्राइस और ज्यादा लेता है, जिसका काफी डिफरेंस जो आप जो प्री लॉन्च और इस पोजीशन में है तो यू विल फाइंड ए ह्यूज डिफरेंस। दैट्स व्हाई इनिशियली आई टोल्ड कि इन प्री लॉन्च जो 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 इंटर करता है मार्केट में या उस प्रोजेक्ट में जो इंटर करता है वो इन्वेस्टर करता है, वो इन्वेस्टर जिसको कि रियल एस्टेट में उसने 2-3 फ्लैट अपने ले रखे हैं वो इस चीज को जानता है कि इस जगह अगर मुझे ये सपोज ब्रांडेड में 70 लाख का हमको 2 BHK मिल रहा है तो वो जानता है कि ये जो है जो पजेशन जब होगा विदिन जो भी स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 2-3-4 years वॉट एवर दैट एज पर रेरा, सो ये जो है 1 करोड़ से पार हो जाएगा, सो उसको ग्रोथ और उसको उसमें जो है कीमत काफी अच्छी मिल जाएगी। तो और जैसे सेकंड स्टेज में मैंने बोला एंड यूजर यूज होता है जो कि रियली फ्लैट को बाई करना चाहता है अपने अपने पर्पस के लिए, वेदर सेल्फ यूज और रेंटल के लिए अपना यूज करने के लिए, एंड देन थर्ड स्टेज आल्सो एंड फाइनल में तो ये होता ही है। सो दिस इज रिगार्डिंग द वेरियस स्टेजेस और मैं लास्ट में इन्हीं सब चीजों को, क्यों ऐसा नहीं है कि जो अब बायर्स के लिए क्या होता है, बायर्स भी ढूंढता है अपना कि मैं इतना जरूर बोलूंगा कि बायर्स भी कि मैं अपना जो ये हार्ड मनी है वो ऐसे प्रोजेक्ट में लगाऊं जो सेफ रहे और मेरे को उसका सेफ रिटर्न मिले। तो यहां पर मैं बोलूंगा उन बायर्स को कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, पहले तो आप ये देखें कौन सी स्टेज क्या क्या होती है, तो और दूसरी ये है कि आप अपना जब भी इन्वेस्ट करें तो आप रेप्यूटेड बिल्डर में जाएं। रेप्यूटेड बिल्डर का है चूंकि मैं बार बार बोलता हूं ये उनका जो वर्क है उस सिटी में रहता है, और स्पेशली हम ये जो मैं ये जो वीडियो है जो जो माइग्रेटेड होते हैं यूपी बिहार
राजस्थान एमपी वगैरह से जो लोग इधर आते हैं, स्पेशली साउथ महाराष्ट्र और इन सब में बेंगलोर चेन्नई, तो उनको इस ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता है, इस ब्यूरोक्रेसी ग्राउंड में पता नहीं रहता है, लोकल बिल्डर्स के बारे में उनको पता नहीं रहता है। तो देर आर चांसेस मैक्सिमम 75% दैट मैक्सिमम जो है जो उनको मतलब उनकी मनी जो है इन डेंजर में ना आ जाए या दे शुड नॉट बी चीटेड बाई द सो कॉल्ड लो बिल्डर। सो इसलिए मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि फर्स्ट बिफोर बाइंग एजुकेट योर सेल्फ, अल्टीमेटली इट इज योर हार्ड अर्न मनी, बिकॉज यू शुड नॉट लूज, यू शुड गेट ए बेटर प्रोजेक्ट। सो और जो आपका पैसा है मेहनत का वो आप सही जगह इन्वेस्ट करें सो दैट कि आपको कोई बिल्डर या कोई चीट ना कर पाए। तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, आपको अपना जो है ये जो है आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन आपको रखनी पड़ती है। तो इट विल हेल्प आउट टू व्यूअर्स जो बायर्स हैं जो इस दिशा में अपना कोई भी आगे चल के या जो रह भी रहे हैं रेंटल में रह रहे हैं आगे चल के घर खरीदना चाहते हैं ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। सो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मैसेज बॉक्स के थ्रू आप बताइएगा। एंड आल्सो द व्यूअर्स हू आर व्यू टू माय चैनल ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि मैं इसी तरीके के ट्रेंडी वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग नॉट ओनली रियल एस्टेट एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ लेकर आता रहूंगा। एंड आल्सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय चैनल टिल नेक्स्ट वीडियो बाय थैंक यू।